दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा ओडीआई मुकाबला हरारे स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोस्तों इस मुकाबले में एक अजीब सी घटना देखने को मिली। जी हां दोस्तों, भारत के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने अपनी जर्सी के पीछे टेप लगाई दिखाई दी। जी हां दोस्तों, शिखर धवन ने अपनी जर्सी के पीछे टेप लगा रखा था। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि शिखर धवन ने जर्सी के पीछे टेप क्यों लगा रखा था? तो इसका एक कारण सामने आया दोस्तों। कारण ये कि शिखर धवन की जर्सी इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं थी और उन्होंने शार्दुल ठाकुर की जर्सी पहनी और शार्दुल ठाकुर के नेम को छुपाने के लिए उन्होंने इसमें नेम के ऊपर टेप लगा रखी है। तो दोस्तों यही कारण है कि शिखर धवन इस मुकाबले में आपको टेप लगाते हुए अपनी जर्सी पे नजर आए हैं। उनकी जर्सी के ऊपर टेप लगा हुआ है। तो दोस्तों 54 नंबर की उन्होंने जर्सी पहन रखी है जो कि शार्दुल ठाकुर की जर्सी है। तो दोस्तों इसीलिए शार्दुल ठाकुर की जर्सी पहने हुए हैं शिखर धवन, क्योंकि उनकी जर्सी अवेलेबल नहीं थी और इसीलिए उन्होंने उस नेम के ऊपर टेप लगा रखी है। तो दोस्तों यही कारण था शिखर धवन का अपनी जर्सी के पीछे टेप लगाने का। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि ये मुकाबला कौन जीतने वाला है? अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों हर तरह की क्रिकेट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।